हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी एम ए शैलेश पटेल, कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सी एम ए कोर्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग सी एम ए कोर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जिसमें मैं फॉलोइंग पॉइंट्स को कवर करूँगा। पहला पॉइंट्स होगा एडमिशन के बारे में, दूसरा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तीसरा होगा लेवल्स कितने होते हैं इस कोर्स में, चौथा सिलेबस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और चौथा होगा फीस कितनी लगती है हर लेवल में, और पांचवा करियर अपॉर्चुनिटी। तो इस पांच पॉइंट के बारे में हम लोग इस कोर्स के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर लेवल्स की बात करूँ तो हमारे इस सी एम ए कोर्स में तीन लेवल होते हैं। पहला फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा फाइनल। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। हमारे पास एक पीडीएफ है सी एम ए कोर्स का फ्लो चार्ट के बारे में। सी एम ए कोर्स का फ्लो चार्ट है जो 2024 में कैसे सी एम ए कोर्स करना है इसके बारे में डिटेल में दी गई हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसमें हम लोग एडमिशन से लेके फ्रॉम एडमिशन टू मेम्बरशिप पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को सी एम ए में एडमिशन लेना है तो वो दो तरीके से ले सकता है, एक फाउंडेशन रूट से, दूसरा डायरेक्ट इंट्री रूट से। ये दो रूट होते हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। फाउंडेशन कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो आप क्लास टेंथ, आप तब एलिजिबल हो जाएंगे जब आप क्लास टेंथ पास करेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन लेने के लिए इस कोर्स में। लेकिन आप एलिजिबल टू अपीयर होंगे एग्ज़ाम में तब जब आप क्लास ट्वेल्थ पास आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा रूट क्या है, डायरेक्ट इंट्री, यानी कि इसमें आपको फाउंडेशन ये नहीं देना है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट इंट्री रूट में, और आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा सी एम ए के इंटरमीडिएट लेवल में। ठीक है, यानी कि लेवल नंबर टू में। तो इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में अदर देन परफॉर्मिंग आर्ट और म्यूजिक। दूसरा, अगर आप कैट का लेवल वन क्वालिफाइड हैं तब भी आप डायरेक्ट इंट्री के थ्रू ले सकते हैं एडमिशन, या फिर सीए का इंटरमीडिएट पास आउट है। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके, चाहे आप डायरेक्ट इंट्री के रूट से आ जाइए या फिर आप फाउंडेशन क्वालिफाई करके आ जाइए, दोनों रूट से आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर आप फाउंडेशन रूट से यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं इंटरमीडिएट में, और डायरेक्ट एंट्री वाले डायरेक्टली यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इंटरमीडिएट में। रजिस्ट्रेशन होगा किस में, इंटरमीडिएट कोर्स में, जो कि सी एम ए कोर्स का लेवल टू होता है। फिर ये कोर्स आप ओरल भी कर सकते हैं और पोस्टल भी कर सकते हैं। कोर्स में रजिस्टर करने के बाद आपको स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी 140 आवर्स की, जिसमें वेरियस छोटी छोटी ट्रेनिंग होती हैं 20 घंटे की, 40 घंटे की, इस तरीके से चार पांच छोटी छोटी ट्रेनिंग। ये कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अपीयर होने के लिए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में। आपके पास यहाँ पे चॉइस रहेगी, आप चाहें तो बोथ ग्रुप एक साथ अपीयर कर सकते हैं या फिर एक एक ग्रुप करके, यानी कि फाइनल का लेवल हो और इंटरमीडिएट का हो, दोनों में आपको चॉइस मिलेगी 4+4 का। एक ग्रुप में चार पेपर, दूसरे ग्रुप में चार पेपर, दोनों टोटल 8 पेपर्स होते हैं। तो आप चाहे तो एक साथ 8 पेपर दे सकते हैं या फिर एक एक ग्रुप, यानी कि चार चार पेपर भी अपीयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपीयर होने के बाद आप क्या करेंगे, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे आप, और क्वालिफाई करने के बाद आप इनरोल करेंगे सी एम ए फाइनल में। ये भी आप ओरल या फिर पोस्टल कर सकते हैं। फाइनल कोर्स में इनरोल होने के बाद आपको दो तरीके की ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एक तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो कि 7 डेज की होगी, दूसरा होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
जो आप चाहे किसी इंडस्ट्री में करिए चाहे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर में कर सकते हैं। टोटल ट्रेनिंग आपको करनी है 3 साल की, जिसमें से 15 मंथ ये मैंडेटरी है आपको कहाँ पे फाइनल के एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। तो 15 मंथ की कम से कम ट्रेनिंग आप कंप्लीट करिए, और 7 डेज का ये IOTP इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अपीयर होने के लिए किस में, फाइनल एग्ज़ाम में। यहाँ पे भी आपके पास चॉइस रहेगी, चाहे आप बोथ ग्रुप एक साथ अपीयर करें या फिर रिमेनिंग ग्रुप, यानी कि 4+4=8 पेपर्स रहेंगे, तो आप चाहे एक साथ 8 पेपर्स अटेम्प्ट करिए या फिर चार चार पेपर करके भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, मेंबरशिप अप्लाई करना है। बट मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको दो चीज़ें और करनी पड़ेगी। एक तो PPOP, यानी कि PPOP प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि 14 डेज का होगा, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। और आप चाहे ऑनलाइन कैंपस करें या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, ये दोनों के लिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि ये जो ट्रेनिंग 3 साल की थी, इसमें अगर आपने 15 मंथ पहले कंप्लीट कर लिया है तो रिमेनिंग ट्रेनिंग यहाँ पे आप कंप्लीट करके उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं क्या, मेंबर बन सकते हैं इंस्टीट्यूट को, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। कौन से इंस्टीट्यूट के, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और आप अपने नाम के आगे CMA यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा फ्लो चार्ट था CMA कोर्स के बारे में। तो हम लोगों ने एडमिशन के पॉइंट को कवर कर लिया, एलिजिबिलिटी को कवर कर लिया, लेवल समेत 3 लेवल होते हैं ये देख लिया। अब हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस की बात करेंगे हम लोग तीनों लेवल पे। जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स में अपीयर होना चाहते हैं उनको 4 पेपर देना, पेपर 1, 2, 3, 4, और चारों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। चारों ही पेपर की खास बात यह है, चारों ही बेसिक फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल 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 किस चीज़ का, यहाँ पे बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन का, यहाँ पे फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का, यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का, उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। तो ये 4 पेपर फाउंडेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा लेवल अपना आता है इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें दो ग्रुप, जैसा कि मैंने हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात की है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो चाहे आपके पास चॉइस रहेगी एक एक ग्रुप करके एग्ज़ाम दीजिए, ग्रुप 1 एक बार में, ग्रुप 2, या फिर दोनों ग्रुप एक साथ में अपीयर कर सकते हैं। तो इसमें भी चार चार पेपर होंगे, पेपर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सारे सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे आपको सामने दिख जाएंगे। फिर लास्ट अपना आता है फाइनल कोर्स। फाइनल कोर्स में भी सेम दो ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दोनों में चार चार पेपर, पेपर नंबर 13, 14, 15, 16 ग्रुप 3rd में, और दूसरे ग्रुप में यहाँ पे आपको 17, 18, 19, ये 3 मैंडेटरी पेपर मिलेंगे, और आपको एक इलेक्टिव मिलेगा। इलेक्टिव यानी कि आपको 3 पेपर दिए जाएंगे यहाँ पे, 20A, 20B, 20C, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे SPM & BBA ले लीजिए, या फिर रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, इन तीनों में से आपको एनी वन इसमें से आपको चुनना होगा इलेक्टिव में से। तो ये टोटल अपने सिलेबस की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं कि अभी फीस कितनी लगती है तीनों लेवल पे, और उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। अगर फीस के बारे में बात करें तो फीस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। फीस का स्ट्रक्चर फाउंडेशन कोर्स में आपको टोटल 6,000 का फीस लगेगा, इंटरमीडिएट की फीस है 23,100, और फाइनल की फीस है 25,000। यहाँ पे स्टार नहीं है, क्योंकि आपको ये 1 टाइम में करना पड़ेगा, और इसमें और इंटरमीडिएट और फाइनल में आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ये रही फीस की बात। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी,
क्या क्या आएगा जब आप सीएमए बन जाएंगे, सीएमए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेजर करियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है जो वो है, या तो आप सर्विस में जा सकते हैं या फिर प्रैक्टिस में, ठीक है। और तीसरा, अब स्टार्टअप भी में भी जा सकते हैं। मेजर जो बच्चे जाते हैं या तो एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा जाते हैं, प्रैक्टिस में थोड़ा कम जाते हैं, और स्टार्टअप में और भी कम जाते हैं। सर्विस आप कहाँ कर सकते हैं, आप किसी इंडस्ट्री में कर सकते हैं, या फिर आप एज ए एकेडमिक भी आप यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। सर्विस यानी कि यहाँ पे आपकी जॉब की बात हो रही है। तो इस वीडियो में ये सारी बातें थी, और तीनों लेवल के डिटेल वीडियो, डिटेल कंटेंट हम इसी चैनल पे एक एक करके अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।